जादुई मेकअप बॉक्स का जादू। एक छोटे से शहर में आरती और सुनीता नाम की सहेलियां रहती थी। वो दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। सुनीता बहुत ज्यादा सुंदर थी और वह बहुत होशियार भी थी। आरती का रंग बहुत ज्यादा सांवला था, लेकिन वो भी बहुत होशियार और समझदार लड़की थी। सुनीता के बहुत ज्यादा सुंदर होने के कारण सब लोग उससे दोस्ती करना पसंद करते थे। अगर उनके कॉलेज में कोई भी प्रोग्राम होता था तो टीचर सबसे पहले सुनीता को ही सिलेक्ट किया करती थी। आरती भी बहुत अच्छा डांस किया करती थी। एक दिन सुनीता आरती से कहती है, आरती तुम्हें तो पता है ना एनुअल फंक्शन होने वाला है कॉलेज में, तुम्हें इस एनुअल फंक्शन में कोई ना कोई परफॉर्मेंस तो करना ही होगा। हाँ यार, वैसे तो एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मेरा भी बहुत मन है, लेकिन पता नहीं टीचर क्या करने वाली है। मैडम ने तो बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया है और उन्होंने ये भी कहा था कि कल फाइनल सिलेक्ट करेगी। दूसरे दिन आरती और सुनीता के कॉलेज के टीचर ने कुछ लड़कियों को एनुअल फंक्शन के लिए सिलेक्ट कर लिया। आरती की क्लास में उन्होंने सुनीता के साथ साथ चार और लड़कियों को सिलेक्ट किया था। मैडम, इस एनुअल फंक्शन में मेरा भी डांस में पार्टिसिपेट करने का बहुत मन है, और वैसे भी मेरी सारी फ्रेंड्स का कहना है कि मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ। देखो आरती, इस एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट के रूप में MLA आ रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है स्टेज थोड़ा ब्राइट दिखना चाहिए। अगर मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लूंगी तो सारी गोरी लड़कियों के बीच में तुम्हारा काला चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि तुम डांस बहुत अच्छा करती हो, लेकिन तुम नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर लेना। टीचर की सारी बात सुनने के बाद आरती को बहुत दुख होता है। वो रोने लगती है, लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहती है। ये सब देखकर सुनीता आरती से कहती है, आरती मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो ना। अरे नहीं नहीं सुनीता, मुझे किसी बात का दुख नहीं है। तुम स्टेज पर जाकर परफॉर्मेंस दोगी और मैं एंजॉय करूंगी। आरती ने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन का सामना किया हुआ था। सभी लोग उसके अंदर छुपे टैलेंट को नहीं बल्कि उसके रंग को देखते थे। इस कारण वो कभी भी किसी भी चीज में पहले नंबर पर नहीं आ पाती थी। किसी तरह उसने अपना कॉलेज खत्म किया। अब उसका सुनीता से भी मिलना जुलना खत्म हो गया था। 4 साल बाद उसने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू की। इन 4 सालों में उसने फैशन डिजाइनिंग कोर्स कंप्लीट किया था। कुछ दिन बाद एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी ने डिजाइन के लिए जो एड दे रखे थे उन एड्स को न्यूज़पेपर में देखकर आरती इंटरव्यू के लिए चले जाती है। वहाँ पर जितने भी लोग इंटरव्यू में गए थे सब में से कंपनी ने 4 लोगों को सिलेक्ट किया था, और उनमें से आरती के डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे, जिस कारण उन 4 लोगों में आरती भी शामिल थे। लेकिन अपनी कंपनी को केवल 2 स्टाफ की जरूरत थी। जब आरती को ये बात पता चली तो उसे खुद पर पूरा विश्वास था। वो सोच रही थी कि उसको ये जॉब जरूर मिलेगी। उसके साथ की लड़कियों को भी यही लग रहा था कि ये जॉब तो आरती को ही मिलेगी। तभी अंदर से आरती को बुलाया गया। आरती जी, आपकी बनाई हुई सारी ही डिजाइन हमें बहुत अच्छी लगी। यू आर वेरी टैलेंटेड, आप नेक्स्ट ईयर भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक्चुअली डायरेक्टर साहब की जान पहचान की 2 कैंडिडेट्स थी जिनको हमने जॉब पर रख लिया है, और ये जॉब हम उन्हीं को देने वाले हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। सच्चाई तो ये थी कि कंपनी वालों ने आरती के रंग रूप को देखकर उसे जॉब नहीं दी। आरती को भी ये बात समझ आ गई थी। वो घर आ जाती है। अब उसके लिए बार बार ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना मुश्किल हो रहा था। वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। आरती आईने के आगे खड़ी होकर कहती है, छी आरती, तेरे पास तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। तुम्हें तो कोई भी पसंद नहीं करता और न ही तुम्हें कोई काम पर रखना चाहता है। तुम्हारा चेहरा देखते ही सारे लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा चेहरा लेकर कैसे जाओगी दुनिया के सामने? पता नहीं क्यों भगवान ने तुझे इतना बेकार चेहरा दिया। सारे लोग बस रंग और रूप देखते हैं, टैलेंट तो कोई देखता ही नहीं। इतना कहकर आरती गुस्से में आईना तोड़ देती है और रोने लगती है। ये सब कुछ दरवाजे के बाहर खड़ी होकर आरती की माँ देख रही थी। उसने पहले कई बार अपनी बेटी को बहुत धैर्य दिया था, लेकिन
बार बार अपनी बेटी को ऐसी परिस्थिति से सामना करता देख उसको भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ रंग रूप को लेकर अपनी बेटी का नाकाम होना उसे बहुत दुख पहुंचाता था। अब समय आ गया है और जादू मेकअप बॉक्स का इस्तेमाल करना ही होगा, जो मुझे बहुत पहले एक साधु बाबा ने दिया था। इतना सोचकर आरती की माँ एक पुराने संदूक से जादुई मेकअप बॉक्स निकालती है और उसे लेकर अपनी बेटी आरती के पास जाती है और कहती है, बेटी दुखी मत हो, अब तुझे अपने रंग रूप को लेकर किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देख जादुई मेकअप बॉक्स, तुम इसका इस्तेमाल करना, ये जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे तुम्हारी सुंदरता बढ़ेगी। अब आरती अपनी माँ के कहे अनुसार रोज उस मेकअप बॉक्स का मेकअप लगाया करती थी। दिन पर दिन आरती की सुंदरता बढ़ती चली गई। उस मेकअप बॉक्स का मेकअप खत्म होने से पहले ही आरती बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी। एक दिन किसी काम से आरती बाजार गई थी। बाजार में उसको सुनीता मिलती है। आरती सुनीता को पहचान नहीं पाती क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो गए थे। सुनीता खुद आरती के पास जाती है और कहती है, अरे वाह आरती, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मैं तेरी कॉलेज फ्रेंड सुनीता, भूल गई क्या? अरे सुनीता तुम, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? तुम तो इतनी सुंदर थी, अचानक से तुम्हारे चेहरे पर इतने दाग धब्बे कैसे आ गए यार? मैं सुंदर दिखने के लिए हमेशा ही केमिकल प्रोडक्ट का यूज किया करती थी, जिस कारण मुझे स्किन एलर्जी होने लगी और कुछ दिनों से तो मेरा चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है। आई एम सॉरी आरती। अरे तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं जानती हूँ आरती कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। कॉलेज में मैं तुम्हें हर जगह हराना चाहती थी, इसलिए जितना मुझसे बन पड़ता था मैं उतना सुंदर दिखने की कोशिश करती थी। ऐसे ही तुम्हारे सारे चांसेस मैं ले लिया करती थी। मुझे लगता था कि मैं सुंदरता से सब कुछ जीत लूंगी, लेकिन आज भगवान ने मुझसे मेरी सुंदरता ही छीन ली है। अपनी सहेली की बातें सुनकर आरती बहुत दुखी हो जाती है। आरती अब इतनी ज्यादा सुंदर दिखने लग गई थी, लेकिन फिर भी उसे इस बात का जरा भी घमंड नहीं था। आरती अपनी सहेली सुनीता को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे अपना जादुई मेकअप बॉक्स दे देती है। कुछ दिनों बाद सुनीता भी ठीक हो जाती है। अब आरती की जिंदगी में भी कोई कमी नहीं रह गई थी। उसने दोबारा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसकी एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब लग गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।